करो। हेलो किड्स, मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर साइंस क्लास 3 के लिए। ये देखिए आप लोगों का जो है कीबोर्ड, उसी का मैं पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट 3। तो हम लोगों को जो भी इसमें पढ़ना है मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाऊंगी, टॉपिक वाइज कम्प्लीटली, और प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सको, प्रैक्टिकली करने से अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैं प्रैक्टिकली जरूर करके दिखाऊंगी और बायलिंगुअल पढ़ाऊंगी, हिंदी और इंग्लिश ताकि आप लोगों को कहीं भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप प्रॉब्लम डाल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियरिफाई कर दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और मेरा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, 6 साल का कंप्यूटर पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। सो दैट हम लोग चैप्टर 1 आज स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बोल दूँ कि सब्सक्राइब बटन है हमारे चैनल के नीचे, उसे आप क्लिक कर दीजिएगा, बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट जो आप लोग का क्लास का वीडियो बनाऊँ आप लोग का चैनल का, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे पढ़ें। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज चैप्टर 1 क्या है इसमें। हाँ तो किड्स, हम लोग का कंटेंट्स में क्या दिया है आज, आप लोग को पहले दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 और डेस्कटॉप एंड आइकन। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये देखिए आप लोग का पहला चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं इसे शुरू कर रही हूँ। हे डूडल, लुक, व्हेन आई स्विचेज ऑन द कंप्यूटर दीज चेंजेज स्टार्ट टेकिंग प्लेस ऑन द स्क्रीन ऑन देयर ओन, व्हाट आर दीज। ये जो बॉय है आप देख रहे हैं बैठा हुआ है, वो पूछ रहा है डूडल से कि देखो डूडल, मैं जब कंप्यूटर ऑन करता हूँ तो अपने आप स्क्रीन पे कुछ चेंजेस आने लगते हैं और कुछ कुछ आने लगता है और अपना प्लेस लेना लगता है स्क्रीन पे, ऐसा क्यों, ये सब क्या है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है, ओ दैट्स ऑपरेटिंग सिस्टम गेटिंग लोडेड, ये जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है। फिर बोलता है द ऑपरेटिंग सिस्टम डूडल, व्हाट आर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है डूडल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है वेट आई विल एक्सप्लेन, रुको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बताता हूँ, विस्तार से बताता हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग, अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हम लोग का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होता है, ये तो आप लोग 1-2 क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसी के बारे में बताया गया है। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर रिफर्स टू दोज पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील, द CPU कैबिनेट विच कंटेन्स द CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एंड माइक्रोफोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो बताया गया है बच्चों कि हार्डवेयर जो होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं टच करके, वो होता है हार्डवेयर। जैसे कि CPU कैबिनेट, CPU के अंदर भी बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं, उसे भी आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, और CPU का जो ऊपर जो होता है वो तो छूते ही हैं, और मॉनिटर जिसपे हम लोग काम करते हैं उसे भी हम लोग छूते हैं, जैसे कि यहाँ ये देखिए ये है मॉनिटर, इसे भी हम लोग छू सकते हैं, कीबोर्ड ये रहा कीबोर्ड हमारा, इसे भी हम लोग छू सकते हैं, और प्रिंटर जो होता है उसे भी छू सकते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन। वेट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैबिनेट, ये देखो बच्चों ये रहा हमारा CPU कैबिनेट, ये सब जो है ना हमारा CPU के अंदर होता है, इसे भी देखो पार्ट बाय पार्ट हम लोग निकाल सकते हैं और इस तरह से देख सकते हैं और छू सकते हैं, हमारा माउस भी आता है इसमें, और ये देखो बच्चों हम लोग का प्रिंटर और स्कैनर इस तरह का होता है, तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा प्रिंटर, इससे भी निकलता है प्रिंट हो करके, ये देखिए हमारा प्रिंटर और स्कैनर दोनों है, इसमें स्कैन हो करके जो आप डालोगे ऊपर, यहाँ ऊपर खोल कर डाला जाता है, इसमें आप डालोगे वो स्कैन हो करके निकल जाएगा आपका। तो ये रहा आपका प्रिंटर और स्कैनर, ये देखो बच्चों ये रहा इस तरह का हमारा होता है माइक्रोफोन, ये भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी हार्डवेयर के ही अंतर्गत आता है, और ये देखो हमारा कीबोर्ड इसी तरह का होता है ना हमारा कीबोर्ड, देखो कितने टाइप्स के कीबोर्ड है यहाँ, तो हमारे कीबोर्ड बहुत तरह के होते हैं, और तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, ये तुम लोग का HW है, ठीक है।
अगर कीबोर्ड में देखोगे तो इस तरह से हम लोग का कीबोर्ड होता है, इस तरह का लिखा होता है, सेम टू सेम इस तरह का होता है, तुम लोगों ने देखा होगा। तो चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और देख भी लिया कि हार्डवेयर कौन कौन से और कैसे दिखते हैं। तो चलो अब हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द हार्डवेयर वर्क विथ अदर सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर इज ऑफ नो यूज विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बोल रहा है बच्चों कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर का टाइप होता है जो कि हार्डवेयर को किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ काम करने में मदद करता है, और जो कंप्यूटर है वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ भी नहीं है, कोई यूज़ नहीं है उसका। तो आप लोग तो अच्छे से समझ गए ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लेट अस रिव्यू हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। हम लोगों को जानना है कि समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, इसके लिए चलिए हम लोग ये पिक्चर देखते हैं। फिगर 1.1 में दिया हुआ है हमारा। तो ये रहा पिक्चर फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों को कीबोर्ड दिखाया था, वही ये रहा कीबोर्ड, ये रहा आपका सीपीयू, इसे तो आप अच्छे से पहचानते हैं, ये सीपीयू बॉक्स है, इसके अंदर ये रहा सीपीयू और ये रहा हमारा मॉनिटर। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग कीबोर्ड में टाइप करते हैं, ये जाता है सीपीयू में, इट मीन्स यहाँ यहाँ, उसके बाद ये निकल के चला जाता है आउटपुट में, हम लोग को स्क्रीन पे यहाँ दिखाई देता है। जो भी हम यहाँ टाइप करते हैं मॉनिटर पे वो हम लोग को आउटपुट के रूप में यहाँ मॉनिटर पे दिखाई देता है। एक्सेप्ट इनपुट थ्रू अ कीबोर्ड प्रोसेस इनपुट शो आउटपुट। जो मैंने आप लोग को बताया सेम वहाँ वही लिखा हुआ है कि यहाँ इनपुट कीजिए आप कीबोर्ड के थ्रू, फिर ये सीपीयू में प्रोसेस करेगा और उसके बाद आप लोग को आउटपुट के रूप में मॉनिटर में आपको शो करेगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया और सीख लिया कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इनपुट्स फ्रॉम द यूजर्स पास देम ऑन द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग एंड देन हेल्प टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ और आउटपुट। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हेल्प्स टू मेक दिस एक्सचेंज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट बिटवीन द इनपुट डिवाइस द सीपीयू एंड द आउटपुट डिवाइस पॉसिबल। हाँ तो बच्चों बोल रहा है इसमें कि जो भी डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम लोग यूजर जो है वो इनपुट डालते हैं कीबोर्ड के थ्रू, और वो जो है पास कर देता है सीपीयू को, और सीपीयू में वो प्रोसेस करता है और फिर आपको रिजल्ट के रूप में वो आउटपुट को दिखाई देता है आपका मॉनिटर पे। जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया सेम वो लिखा हुआ है और कुछ है नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया है आप लोगों को, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10। तो चलिए अब न्यू आ गया है टॉपिक हम लोग का, तो इसे भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 क्या होता है, तो जान माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों ये जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो वो बहुत ही मशहूर, प्रसिद्ध कहो, बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। When you switch on a computer having the Windows 10 operating system, the Windows 10 operating system start automatically। बोला जा रहा है बच्चों कि जब हम लोग जिस भी लैपटॉप हो या पीसी हो या मॉनिटर हो उसमें हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं और उसमें Windows 10 अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है पहले से, तो वो जो है सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाता है। ये देखिए इस तरह से उसका स्क्रीन आता है। फर्स्ट इट डिस्प्लेज द लॉक स्क्रीन, टू रिमूव इट डू वन ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो ये देखो किड्स हमारा खुल गया है विंडो, और इसमें हम लोग देखेंगे इसी तरह से ये ओपन होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जिसका भी नाम है वो आपको शो करेगा। ये देखिए आपको शो करेगा, मैंने देखे टैप किया तो यहाँ जैसे आपको बुक में दिखा रहा है कि नाम रहेगा और पासवर्ड रहेगा, उसी तरह से इसमें भी पासवर्ड डाला हुआ है। सो अब इसमें हम लोग पासवर्ड डालेंगे। ये देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया तो ये खुल गया, और इस तरह से हमारा ये खुलता है। यही आपकी बुक में पढ़ाया गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया बच्चों
आपने देखा कि पहले इस तरह का स्क्रीन आया था जो बुक में दिया हुआ है, उसमें कुछ भी फोटो चेंज रह सकता है बट फंक्शन सेम होता है। फिर देखिए ये पासवर्ड वाला आया था, फिर देखिए पासवर्ड आने के बाद हमारा इसी तरह से स्क्रीन पे खुल गया था, ये देखिए है ना सेम टू सेम, बस इसी तरह से होता है। तो चलिए मैं इसे एक बार पढ़ के भी बता देती हूँ, यहाँ तक हम लोगों ने ऑटोमेटिकली तक पढ़ा था। फर्स्ट आई डिस्प्लेस द लॉक स्क्रीन टू रिमूव इट डू वन ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि स्क्रीन रिमूव करने के पहले, डिस्प्ले लॉक स्क्रीन जो होता है उसे रिमूव करने के पहले हम लोग को ये फंक्शन करना होता है। क्लिक एनीवेयर ऑन द स्क्रीन यूजिंग द माउस, माउस के थ्रू हम लोग स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करते हैं, वो तो मैंने आप लोग को दिखाया ही। प्रेस एनी की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड का कोई भी बटन हम लोग प्रेस करते हैं। उसके बाद हम लोग को साइन इन का जो आता है, ये देखिए ये रहा साइन इन का, तो इसमें हम लोग पासवर्ड डालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का ये पिन डाला जाता है, पिन मैंने आप लोग को दिखाया था, पिन हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, पिक्चर पासवर्ड भी हो सकता है, बट यहाँ मैंने पिन डाला था, यहाँ भी देखिए शायद पिन डाला हुआ है। तो इस तरह से डालना रहता है और इस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट करना रहता है। नोट में देखिए क्या डाला हुआ है, यू कैन क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ पासवर्ड बट इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इफ योर कंप्यूटर डजेंट हैव अ पासवर्ड देन एनीवन कैन यूज दिस यूज योर कंप्यूटर। बोल रहा है कि आप बिना पासवर्ड का भी यूज कर सकते, हाँ तो बच्चों कह रहा है इसमें कि आप लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं कोई भी पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड देना बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप अगर पासवर्ड नहीं डालोगे तो कोई भी आपका कंप्यूटर का मिसयूज कर सकता है, यूज कर सकता है, देख सकता है आपने जो फाइल बनाया है क्या लिखा है नहीं लिखा है, कोई भी देख सकता है। तो इसे हम लोग को सीक्रेट रखना है ना, सो हम लोग पासवर्ड इसमें जरूर डालेंगे। और अब चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों डेस्कटॉप एंड आइकन्स। ये देखिए डेस्कटॉप पे ये सब जो छोटा छोटा सारा सॉफ्टवेयर है ना उसका आइकन बना हुआ है ताकि हम लोग यहाँ से इजीली खोल सके डेस्कटॉप पे से। देखिए जैसे कि यहाँ मेरे भी कंप्यूटर में है, ये देखिए छोटा छोटा आइकन मैंने बना के जो रखा है जो भी है यहाँ है इस तरह से, वही सेम आपके बुक में डाला हुआ है, ये देखिए यही सब आइकन है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आफ्टर इंटरिंग द पासवर्ड एंड प्रेसिंग द इंटर की, जब हम लोग पासवर्ड डालते हैं और प्रेस जब करते हैं इंटर की को, यू विल सी अ स्क्रीन विथ मेनी स्मॉल पिक्चर्स ऑन इट, तो हम लोग देखते हैं बहुत सारा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पासवर्ड डालने के बाद बहुत छोटा छोटा आइकन आ गया, ये सेम लाइक दैट, इसी छोटे छोटे पिक्चर को हम लोग आइकन बोलते हैं। अब आगे आते हैं आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप, द आइकन ऑन द डेस्कटॉप में रिप्रेजेंट अ फाइल फोल्डर और सॉफ्टवेयर, बाई डबल क्लिकिंग दीज आइकन्स यू कैन ओपन अ फाइल और फोल्डर और रन अ सॉफ्टवेयर, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया वही बोला जा रहा है इसमें। ये देखो किट्स मैं दिखा रही हूँ, ये रहा हमारा टास्क बार, ये जो ब्लैक वाला लाइन है ना इसी को टास्क बार बोला जाता है, और इसी में देखिए हम लोग का यहाँ कोर्टेना है, सर्च इंजन, ये हम लोग का विंडो है, स्टार्ट और मतलब जो करना होता है शटडाउन वगैरह यहीं से आता है, ये देखिए है ना इस तरह से ये होता है ये, और ये हमारा है वो गया, देखिए यहाँ भी आइकन है गूगल क्रोमी करके, यही है गूगल क्रोमी, यहाँ ये जीमेल का है, ये फाइल एक्सप्लोरर है, ये हमारा देखिए प्ले स्टोर है प्ले स्टोर, और ये हमारा हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो आप ये, और ये रही कोर्टेना, टॉक टू कोर्टेना, आप देख सकते हैं इसमें लिखा रहा है टॉक टू कोर्टेना, तो यही होता है हमारा टास्क बार। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं क्या दिया है हमारा देन, हाँ तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, यू कैन मूव द टास्क बार टू एनी ऑफ फोर साइड्स ऑफ द स्क्रीन बाय फॉलोइंग द स्टेप लिस्ट, मूव द माउस पॉइंटर टूअर्ड द एम्प्टी स्पेस ऑफ द टास्क बार, क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन, ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द राइट टू द कंप्यूटर स्क्रीन, रिलीज द माउस बटन, द टास्क विल मूव द राइट टू द कंप्यूटर। अब चलते हैं हम लोग स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट बटन, यू विल सी द स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार, मैंने अभी आपको दिखाया स्टार्ट बटन वही होता है स्टार्ट बटन जो कि कॉर्नर में होता है, क्लिकिंग द स्टार्ट बटन विल डिस्प्ले अ स्टार्ट मेनू, मैंने अभी वो भी आपको करके दिखाया कि हम लोग जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हम लोग को मेनू दिखाता है कि हम लोग को क्या करना है, सेटिंग में जाना है या स्विच ऑफ करना है या क्या मतलब रीस्टार्ट करना है क्या करना है वो बताता है। सम ऑफ द टाइल्स आर कॉल्ड इट लाइव टिल्स एज दे टेक इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एंड कीप ऑन अपडेटिंग द इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ एंड वेदर टाइल्स विल गिव अपडेट इन्फॉर्मेशन,
Make sure the computer is connected to the internet. You can confirm the content of the start screen by adding, removing, resizing and grouping fields. बोल रहा है कि इसमें हम लोग का ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. जब हम लोग स्टार्ट बटन पे जाते हैं तो ये देखिए हम लोग का टेल्स आ गया. इसी में हम लोग को दिखाया जाता है अगर इंटरनेट इसमें रहेगा. अभी फ़िलहाल नहीं है इंटरनेट. जब इंटरनेट होता है तो ये देखिए अभी जैसे बता रहा है कि लाइट रेन है, 38 डिग्री है, 38 डिग्री 25 मिनिमम है, न्यू दिल्ली का ये टेम्परेचर है, इस तरह से आपको बताएगा. ये देखिए हम लोग का फाइल एक्सप्लोरर खुल गया है. ये देखिए है ना, क्विक एसेस. इसमें हम लोग का डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट है. ये देखिए पिक्चर्स हैं इसमें, इसमें और बहुत छोटे छोटे फाइल्स भी हैं. ये देखिए ये सब फाइल्स है. इस तरह से ही होता है. जैसे देखिए आपका बुक में भी यही दिया हुआ है ना, सेम टू सेम. ये देखिए है ना, ये इसी तरह से होता है. अब चलते हैं हम लोग एडजस्ट योर सेटिंग. सेटिंग्स में हम लोग चलते हैं. सेटिंग यहाँ हम लोग गए, अभी आप लोगों ने देखा था कि सेटिंग्स कहाँ था, ये रहा. स्टार्ट में हम लोग गए, यहाँ देखिए सेटिंग्स का ये है. सेटिंग्स ये हम लोग खोले, यहाँ से हम लोग सिस्टम, डिवाइस, फोन, नेटवर्क, इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, एल्स ऑफिसेस, गेमिंग टाइम एंड लैंग्वेज वगैरह वगैरह, अकाउंट हो गया, कॉटिना हो गई, यहाँ से हम लोग सारा सेटिंग कर सकते हैं विंडो का. ये देखिए आपके बुक में भी वही चीज़ है, विंडो सेटिंग में सेम टू सेम यही बताया गया है आप लोगों को. नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ दिया गया है आप लोगों को शट डाउन योर कंप्यूटर. तो हम लोग शट डाउन कैसे करते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था. ये मैं इसे सेटिंग को बंद कर रही हूँ और ये इसको फाइल एक्सप्लोरर को भी मैं बंद कर रही हूँ. ये देखिए यहाँ से जा करके शट डाउन का आता है. स्टार्ट पे गए हम लोग, ये रहा स्विच ऑफ पावर. आप इस पर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आपका स्लीप आ रहा है, शट डाउन आ रहा है, रीस्टार्ट आ रहा है. तो यहाँ से अगर हम शट डाउन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये बंद हो जाएगा. बट अभी हमें शट डाउन नहीं करना है इसलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ. यही आपका यहाँ दिया हुआ है, सर्च फॉर फाइल एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम. टू सर्च फॉर एनी फाइल और प्रोग्राम क्लिक इनसाइड द कॉर्टेना सर्च बॉक्स, टाइप द नेम ऑफ द फाइल एंड प्रोग्राम. तो आपको ये दिया गया है, ये देखिए यहाँ सर्च स्टार्टर सर्च दिया है. अगर आप इस पर क्लिक करोगे और मान लीजिए मैं लिखती हूँ पेंट, मुझे सर्च करना है पेंट, तो मैंने यहाँ पेंट लिखा PAINT. तो पेंट पे मैंने सर्च किया तो ये देखिए मुझे पेंट के बारे में दिखा दिया कि यहाँ है पेंट. अगर मैं यहाँ ओपन पे करूँगी तो ये पेंट ओपन हो जाएगा. तो ये देखो पेंट खुल गया ना कितनी आसानी से, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. अब हम लोग यहाँ पेंट कर सकते हैं. जब आप लोगों को पेंट पढ़ना होगा तो मैं पेंट भी पूरा डिटेल से इसमें करके दिखाऊँगी, बना के दिखाऊँगी. फ़िलहाल तो आप लोग को जानना है कि इसमें कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया कॉर्टेना के बारे में. चलिए आगे पढ़ते हैं. फिर क्या दिया है, कॉर्टेना दिया है. इट इज़ अ वॉइस कंट्रोल वर्चुअल असिस्टेंट. टू सेटअप कॉर्टेना फॉलो दिस स्टेप. प्रेस द विंडो लोगो की प्लस एस सिमटेनियसली टू ओपन कॉर्टेना. क्लिक द नोटबुक बटन अंडर नीड द हाउस आइकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन. क्लिक सेकेंड ऑन द ऑन ऑफ स्विच अंडर द हे कॉर्टेना हेडिंग्स. तो हम लोग को ये दिया गया है कि हम लोग को कैसे खोलना है कॉर्टेना को. ये देखिए बच्चों, ये रही कॉर्टेना का साइन. इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा खुल गया. इसमें हम लोग को बताया गया है कि कैसे करना है. फिर इसमें हम लोग को बोला गया है कि नोटबुक पे क्लिक करना है. तो ये हमारा नोटबुक है, इस पर मैंने क्लिक किया. अब देखिए क्या होता है इसमें. सॉरी बच्चों, ये उसमें हो नहीं रहा है, अभी बैटरी डाउन हो गई है. तो चलिए बुक में ही मैं दिखा, कैसे होगा आपका नोटबुक में. सेटिंग में जाएंगे, ऑन ऑफ स्विच ऑन करेंगे और हम लोग हे कॉर्टेना करके हेडिंग आएगा. ये देखिए टॉक टू कॉर्टेना, हे कॉर्टेना यहाँ ऑन किया गया है. तो इस तरह से हमारा होगा. आगे पढ़ते हैं. इफ़ योर कंप्यूटर हैज़ अ माइक्रोफोन देन एक्टिवेट कॉर्टेना बाय सेइंग हे कॉर्टेना एंड से व्हाट एवर यू वांट टू से सर्च. सॉरी, तो हम लोग को वही बोला गया है, अगर माइक्रोफोन है आप लोग के पास, हेडफोन होता ही है, आप उसे लगाएंगे और कॉर्टेना को जो भी आप बोलेंगे
वो सुन करके खुद से लिख लेगी और फिर वो सर्च करेगी, तो आपको टाइप करने का भी ज़रूरत नहीं होता है। एज यूजल जैसे मोबाइल में हम लोग का होता है गूगल पे, तो उसी तरह से इसमें कॉर्टेना होती है जो कि हमारा वॉइस सुनती है और उसे कंप्लीट करती है। और पिक्चर 1.4 में हम लोग को ये शो किया गया है, अबाउट द वेदर आउटसाइड यू कैन इंस्ट्रक्ट कॉर्टेना टू फाइंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, फाइंड द डायरेक्शन टू अ प्लेस और टू डू सिंपल कैलकुलेशन। इफ़ योर कंप्यूटर डजेंट हैव अ माइक्रोफोन यू कैन सर्च फॉर एनी इन्फॉर्मेशन बाई टाइपिंग इन द कॉर्टेना सर्च बॉक्स एंड प्रेसिंग इंटर। तो आप लोग को फिगर में ये भी बताया, हाँ तो इसमें आप लोग को यही बताया गया कि आप माइक्रोफोन लगा करके उसमें बोल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी प्लेस का डायरेक्शन देख सकते हैं और कोई भी वर्ड का मीनिंग ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है माइक्रोफोन तो आप उसमें लिख के सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया था कॉर्टेना में लिख करके सर्च करने के लिए, उसी तरह से आप इसमें लिख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं जो मैंने आपको भी दिखाया था सेम। ये देखिए वही आपको यहाँ दिखाया गया है। देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्लिक द टास्क व्यू बटन टू राइट ऑफ द कॉर्टेना सर्च बॉक्स, इट डिस्प्लेज ऑल द एक्टिव एप्लीकेशन ऑन द डेस्कटॉप। हम लोग को बोला गया है टास्क व्यू बटन को राइट क्लिक करेंगे तो कॉर्टेना सर्च बॉक्स में हम लोग को दिखा देगा कि कौन कौन सा हम लोग का एप्लीकेशन एक्टिव है अभी, मतलब क्या क्या यूज़ में हो रहा है। तो ये देखिए दिखा रहा है हम लोग का, ये अभी एक्टिव है हम लोग का, यही सब एक्टिव है, ये सब एक्टिव है, यही हम लोग को दिखाया है। उस पर क्लिक करने के बाद इसमें कुछ और था इसलिए इसमें कुछ और दिखा रहा है। टू क्लोज अ फाइल और एप्लीकेशन पॉइंट टू द थंबनेल एंड देन क्लिक द क्लोज बटन ऑन द अपर राइट कॉर्नर। हम लोग को बोला गया है कि अगर हमें बंद करना होगा कोई भी फाइल या एप्लीकेशन को तो हम लोग ऊपर जो कटकुट का निशान होता है आप देखें क्रॉस का निशान, उसे हम लोग को क्लिक करना होगा और हमारा सारा बंद हो जाएगा। चलो बच्चों ये देखिए कॉर्टेना जो है इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रही है अबाउट वेदर के बारे में बता रही है। तो अब हम लोग कंप्यूटर मैनर तो आप लोग जानते ही हैं, इसे इस तरह से नहीं पूछना है भींगा के कपड़ा, ड्राई कपड़ा से हम लोग को पूछना है, वही यहाँ बताया गया है। अब ट्रिकी टर्म्स है किड्स, इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। मेमोरी बाइट्स है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। ये रहा हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग का ये है मोर अबाउट पेंट। तो अब नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 में। इंजॉय करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।